सोशल मीडिया पर एक न्यूज बहुत तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें कि बताया जा रहा है आरबीआई के द्वारा 17 मई को एक मीटिंग की जाएगी और उसके बाद में जो ये जो लोन रिकवरी का तरीका है ये पूरे तरीके से बंद कर दिया जाएगा और इस तरीके से कोई भी लोन रिकवरी नहीं होगी। तो मैंने इसके बारे में थोड़ा स्टडी किया, थोड़ा पढ़ा, तो मेरे सामने जो जानकारी निकल करके आई वो कुछ इस प्रकार से निकल करके आई है कि देखिए पिछले 3-4 साल से आप लोग देख ही पा रहे होंगे किस तरीके से ये जो बैंक हैं, एनबीएफसीज हैं, रिकवरी एजेंसीज को हायर करते हैं जब व्यक्ति की 1 या 2 ईएमआई डिफॉल्ट हो जाती है, और वो रिकवरी एजेंसीज जो है पूरे तरीके से आम जनता को जो भी लोन लिए हैं उसको अपने जो एजेंट्स हैं उनसे गालियां दिलाती हैं, बहुत ज्यादा उनको प्रताड़ित कराए जाते हैं और बहुत ज्यादा उनको बेइज्जत किया जाता है। व्यक्ति इसके लिए बैंक में कंप्लेन करता है, एनबीएफसी में कंप्लेन करता है, तो कोई सॉल्यूशन उसको नहीं मिल पाता है। हार थक के व्यक्ति आरबीआई के पास में जाता है, और आरबीआई के पास में भी व्यक्ति तब जा सकता है जब बैंक के द्वारा पूरे तरीके से एनबीएफसी के द्वारा 30 डेज तक कोई कंप्लेंट सॉल्व नहीं की जाती है, और 30 डेज में तो ये बहुत कुछ कर देते हैं। तो जो क्लियर इंफॉर्मेशन निकल करके वो ये आ रही है, हाँ मीटिंग तो है 17 मई 2024 को, जो कि काफी बड़े लेवल की मीटिंग है और मुंबई में ये मीटिंग होगी। यहाँ पर कुछ जो एआरसी के मेंबर्स हैं उनको बुलाया जाएगा और उनसे पूरी तरीके से डिस्कस किया जाएगा कि मामला क्या है, कैसे जो एक सही रूल्स होंगे वो लेकर के आए जाएंगे। हालांकि इसको लेकर के ऑलरेडी काफी रूल्स हैं जो कि पूरे तरीके से आरबीआई ने दिए हुए हैं, मास्टर गाइडलाइन दी हुई है, लेकिन उन मास्टर गाइडलाइन को पूरे तरीके से फॉलो नहीं किया जा रहा है। ये बात तो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की आंखों में पूरे तरीके से आई है, ये बात तो उन्होंने अच्छे तरीके से देखी भी है। तो अब इसमें क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, इसमें कुछ कहना बहुत ज्यादा मुश्किल है। जो व्यक्ति आपको ये कह रहे हैं कि लोन रिकवरी 17 मई के बाद में बंद हो जाएगी, जो इस तरीके से गालियां दी जा रही हैं, आरबीआई बहुत बड़ा धमाका करने जा रहा है, देखो जब तक चीजें क्लियरली सामने ना आ जाएं तब तक कुछ भी कहना पॉसिबल नहीं है। जब तक चीजें सामने आएंगी तब सारी चीजें जाकर के क्लियर होंगी। ऐसे मैं आपको कोई भी झूठा आश्वासन नहीं दे सकता कि भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये करने जा रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये करने जा रहा है। कुछ सूत्रों से भी मैंने इसमें बात की जो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में अवेलेबल है, तो उन्होंने मुझे सिर्फ इतनी जानकारी दी है कि देखिए हाँ बिल्कुल ये तो चल रहा है कि ये गलत तरीके से जो रिकवरी हो रही है, गाली गलौज की जा रही है, बदतमीजी जो की जा रही है, इस पर भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी चाहता है कि पूरी तरीके से रोक लगे, और जो आईटी एक्ट के साथ में ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, आईटी एक्ट का ये जो उल्लंघन कर रहे हैं ये ना कर पाए। आईटी एक्ट में आप लोग सभी जानते हैं जैसे कि आपके कॉन्टैक्ट में कॉल करना, आपके मोबाइल फोन से परमिशन लेकर के आपके मॉक फोटो बनाना, ये सारी चीजें आती हैं। तो ये सब चीजें जो ये करी जा रही है ये आईटी एक्ट का उल्लंघन है सीधे सीधे, तो ये सब चीजें ना हो, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स जो कंप्लेंट्स हैं वो लगातार जा रही हैं, और मल्टीपल टाइम जब कंप्लेंट जा रही है तो इस सबसे आरबीआई पूरी तरीके से टेंशन में आ गया। आरबीआई पूरी तरीके से ये चाहता है कि बस किसी भी तरीके से रोक लगे, क्योंकि सोशल मीडिया पर अगर आप रिकवरी एजेंट हरासमेंट सर्च करेंगे इतनी वीडियोज मिल जाएंगी, इतनी वीडियोज मिल जाएंगी जिस पर पूरे तरीके से मतलब देख करके ऐसा प्रतीत होगा यार ये क्या हो रहा है, और इंडिया की जो पूरे तरीके से सारी चीजें हैं वो क्लियरली लोग देखते हैं तो उनको अच्छा भी नहीं लगता है, और देश के वो कहेंगे यार ये क्या हो रहा है देश में इसमें। तो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पूरे तरीके से इस सब पर रोक लगाना चाहता है। आपको इस बात की भली भांति जानकारी होगी कि बैंक में आप चाहे 1 कंप्लेंट कर लें, 2 कंप्लेंट कर लें, एनबीएफसी में 3 कंप्लेंट कर लें, 4 कंप्लेंट कर लें, बट कंप्लेंट का कोई एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं मिल पाता, राइट। हर सकते व्यक्ति को आरबीआई के पास ही जाना होता है, तो क्या पता आरबीआई कोई और डिपार्टमेंट लॉन्च कर दे कि भाई अगर इस प्रकार का कोई इश्यू हो तो आप यहाँ पर कंप्लेन करो, बैंक को भी कॉन्टेक्ट मत करो। कुछ ना कुछ तो आरबीआई खैर ऐसा करेगा, इसमें कुछ ना कुछ तो आम जनता को रिलीफ मिलेगा इससे, बाकी देखते हैं क्या होने जा रहा है। और बाकी कुछ लोग जो कह रहे हैं आरबीआई बड़ा धमाका करने जा रहा है, अब देखते हैं आरबीआई बड़ा धमाका करेगा या क्या करेगा। वैसे जो चीजें मेरे सामने आई हैं, जो मैंने भी देखा है, इसमें कुछ होना जाना तो ऐसा कुछ नहीं है। आरबीआई लेकर के आता रहता है रूल्स, अब रूल्स को एक कितना फॉलो करते हैं, अगर कोई कड़ाई एक्शन ले ले तो मजा है, ऐसे अगर कोई नियम लेके आए मेरे को नहीं लगता है कोई खास मजा आने वाला है इसमें। आप इस सब पर क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। तो आरबीआई की तरफ से ये बिगेस्ट न्यूज निकल करके आ रही थी, कुछ लोग इसको बता रहे थे रिकवरी बंद हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जब तक क्लियरली सारी चीजें ना जाए तब तक कुछ नहीं कह सकते। तो आप मुझे आगे दीजिएगा, मैं फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोगों के लिए हमने एक पेड सर्विस की शुरुआत की है, अगर आप लोग हमसे बातचीत करना चाहते हैं, अपनी कोई प्रॉब्लम हमें बताना चाहते हैं
तो आप इस पेड सर्विस का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करानी होगी। अगर आप पेड सर्विस लेने में सक्षम है तो पेड सर्विस लें, अगर आप सक्षम नहीं है तो बिल्कुल भी आप संपर्क ना करें। ऑलरेडी बहुत सी वीडियोज हैं जिनके माध्यम से हमने आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी है। थैंक यू सो मच।